आज देश के लिए बहुत गौरव का विषय है कि एक बहुत साधारण परिवार में पैदा हुए, गरीब परिवार में पैदा हुए आदरणीय रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बने हैं और बहुत ही निर्णायक बहुमत से जीते हैं। लेकिन आज वो देश के राष्ट्रपति हैं और उनका जो भाषण था वो बहुत ही प्रभावी भाषण था, जिसमें उन्होंने भारत की विविधता की बात की, भारत के लोकतंत्र की बात की और सबों को एक साथ लेकर चलने की भी बात की। उन्होंने जहां अंबेडकर के सर्वस्पर्शी चिंतन का जिक्र किया, वहीं पर सरदार पटेल ने जो ऐतिहासिक काम किया है उसका सम्मान किया। कांग्रेस के लोग इस पर आपत्ति प्रकट कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया गया। नेहरू देश के बहुत बड़े नेता थे, उनकी एक अपनी जगह है, लेकिन हर भाषण में नेहरू जी का नाम लेने का दबाव देकर क्या कांग्रेस पार्टी नेहरू जी के व्यक्तित्व को छोटा करने की कोशिश कर रही है? उसके जवाब में मुझे उनसे एक सवाल पूछना है, क्या यह सच्चाई नहीं है कि 55 साल जब तक कांग्रेस पार्टी का इस देश में राज रहा तब तक सरदार पटेल के योगदान को छोटा करने की कोशिश की गई? अब मैंने सुना है कि दीनदयाल उपाध्याय की चर्चा करने पर भी आपत्ति हो रही है। हमें गर्व है कि दीनदयाल उपाध्याय ने हमारी विचारधारा का आलेख किया, हमारी पार्टी को छोटे से यहां तक पहुंचाने में उनकी भूमिका है और आज हम देश प्रशासन करते हैं, 13 राज्यों में हमारी सरकार है और ये हम जनता के आशीर्वाद से जीत करके आए हैं और हमारी विचारधारा को सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बनाने में दीनदयाल उपाध्याय की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए अगर आज के दिन भारत के राष्ट्रपति जी ने उनको सम्मान दिया है तो हमारे लिए गर्व की बात है और देश के गर्व की भी बात है। हर बात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।